गुलिस्तान हिल व्यू होटल के पास हम मौजूद हैं और होटल्स में जाके देखते हैं कि इनके रूम्स की क्या पोजीशन है और रूम्स के रेंट्स वगैरह क्या हैं। तो नाज़रीन चलते हैं से पूछते हैं कि रूम्स वगैरह की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, सबसे पहले तो इस होटल का पूरा नाम बताएं। गुलिस्तान हिल व्यू न्यू मरी। न्यू मरी होटल में कितने रूम हैं आपके? हमारे 16 हैं। 16, उसमें डबल बेड हैं सिंगल बेड हैं? सर सिंगल बेड लगे हैं, अभी डबल बेड लगाएंगे अभी। अच्छा, रेंट क्या है? रेंट सर हमारा है 2000। नहीं, उसमें कोई कमी पेशी भी है? जी जी, कमी पेशी भी 2000 से शुरू हो रहा है हमारा रेंट। अच्छा, यहाँ पे न्यू मरी में बता रहे हैं कि एजेंट वगैरह का सिलसिला होता है, एजेंट आपके पास आते हैं तो रेंट ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा ही है? जी सर ऐसा ही है। तो अगर डायरेक्ट रब्ता को करता है उसकी क्या पोजीशन है रेंट की, और अगर एजेंट के जरिए करता है क्या पोजीशन होगी? एजेंट के जरिए ज़्यादा होता है, जो डायरेक्ट आते हैं उनका रेट सर कम होता है। कितना कम होता है? सर वो 2000 रुपये 1500। अच्छा, सिंगल बेड का और डबल बेड का अलग अलग रेट बता दें। जी जी, सिंगल बेड का सर 2000 है, डबल बेड का 3500 होता है। ये सर इस रूम के बारे में ज़रा बताएं। सर हमारा इस रूम का रेंट है 3000 रुपये सर। बताएँ कि जो होटल्स हैं उन कितने मुतासर हुए हैं? होटल वाले बहुत मुतासर हुए हैं सर। यहाँ पे तकरीबन 10 होटल वाले सारे मुतासर हुए हैं, बड़े परेशान हैं, काम नहीं है उनका। वो कह रहे हैं कब लॉकडाउन खुलेगा, हमारा रोज़गार चले। सर लॉकडाउन जब खुलेगा तो हुकूमत जो बताएगी एहतियाती तदाबीर, तो आप फिर किस तरह से उस पर अमल दरामद कराएंगे? सर इंशाल्लाह वो ऐसे उधर कराएंगे जैसे उन्होंने बताया कि वो मशीन देंगे, वो चेक करके एक एक बंदे को हम फिर रूम देंगे सर। तो इसके अलावा सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह? मास्क वगैरह भी सर देंगे इंशाल्लाह, मास्क लगा के पूरे तरीके के साथ सर हम रूम देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। सबसे जो अहम बात है, हमारे व्यूवर्स को आप कितनी डिस्काउंट देंगे? सर वो आपके विजिट आएंगे इंशाल्लाह, उनको जो 3000 वाला कमरा उसको 25 करेंगे, जो 6000 वाला उसमें आपको 35 हो जाएगा। मतलब रियायत होगी इंशाल्लाह, ज़रूर रियायत होगी। बहुत शुक्रिया।